सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने क्रिमिनल डेफेमेशन के मामले में अपना जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यन स्वामी, राहुल गांधी, केजरीवाल, इन्होंने अलग अलग पिटीशन फाइल की थी और इन्होंने कहा था कि जो क्रिमिनल डेफेमेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 499 से लेकर के 502 तक क्रिमिनल डिफेमेशन से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं। भारतीय कानून व्यवस्था में सिविल डिफेमेशन का भी प्रोविजन है और दोनों तरह के केसेस चल सकते हैं। इसी के चलते सुब्रमण्यन स्वामी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जिन पर अलग अलग तरह के डिफेमेशन केसेस हुए हैं, वो कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता में जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है, जो प्रावधान दिया गया है, उसमें आर्टिकल 21 में राइट टू रेपुटेशन भी है और सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने क्रिमिनल डिफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना। तो इस हिसाब से सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 2016 का केस, जो कि क्रिमिनल डेफेमेशन से संबंधित था, इसमें कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल डेफेमेशन कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। नमस्कार, धन्यवाद।